हाय एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल अब्रॉड स्टोरी में। तो आज मैं आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जब आप यूके में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, स्किल वर्कर वीज़ा, तो उस वीज़ा को क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लाने होते हैं, जिस सिस्टम को बोलते हैं यूके पॉइंट बेस्ड सिस्टम। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको उस वीज़ा अप्रूवल के लिए एटलीस्ट 70 पॉइंट्स तो लाने होते हैं। तो उस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जिसमें से कुछ मैंडेटरी नंबर्स आपको लाने ही हैं, और अगर उसमें से कुछ एक भी अगर मिस हो जाता है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ऑप्शनल है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी कैटेगरी है और आप अपने 70 पॉइंट्स को कैसे ला सकते हो। सो ये रहे सारी कैटेगरी जिसे आपको 70 पॉइंट्स गेन करने हैं, जिसमें टोटल 9 फील्ड्स है और हर एक फील्ड के कुछ रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। तो जैसे जैसे आपके वीज़ा एप्लीकेशन से ये रिक्वायरमेंट मैच होते जाती है, वैसे वैसे आपको रिस्पेक्टिव पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए हम फर्स्ट फील्ड को ले लेते हैं कि आपके पास अप्रूव स्पॉन्सर का जॉब होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आगे मैं बताने वाली हूँ कि आप अगर फ्रेशर हो तो भी कैसे ये 70 पॉइंट्स कलेक्ट करके वीज़ा क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कैटेगरी की जो कि मैंडेटरी है, और इस कैटेगरी में आपके 3 फील्ड्स हैं, और ये जो 3 फील्ड्स हैं आपको इस तीनों फील्ड में मैंडेटरी नंबर्स लाने ही होंगे। तो डिस्कस करते हैं कि वो 3 फील्ड क्या क्या हैं और आप कैसे वो नंबर ला सकते हो। सो पहले पॉइंट में ये है कि वीजा अप्लाई करने के पहले आपके पास एक यूके की कंपनी की स्पॉन्सर्ड जॉब होनी चाहिए और आपका एम्प्लॉयर अप्रूव स्पॉन्सर्ड के लिस्ट में हो, तो आपको यहाँ से 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सेकेंड, आपका जॉब अप्रोप्रिएट स्किल कैटेगरी में होना चाहिए, जिससे आप 20 पॉइंट्स और कलेक्ट कर सकते हो। थर्ड की इंग्लिश स्किल होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो IELTS UKVI, या तो आपकी पढ़ाई यूके में हुई हो, या फिर थर्ड है NAERIC सर्टिफिकेट जिसका नाम है UKNIC। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उस कैटेगरी की जो कि मैंडेटरी नहीं है। तो मैंडेटरी वाले कैटेगरी में हमको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो बचे हमारे 20 पॉइंट्स। तो इस ऑप्शनल कैटेगरी में से यहाँ पे जितने सारे एट्रीब्यूट्स है उसमें से आप एक दो को चूज कर लो और उसमें से आप पॉइंट्स गेन कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से फील्ड्स है या एट्रीब्यूट्स है जिसमें आपको पॉइंट गेन करना इजी होगा और इजीली आप 20 पॉइंट्स ले सकते हो, जिससे 50 प्लस 20 टोटल 70 मार्क्स हो जाते हैं और आप वीजा को क्वालिफाई कर सकते हो। ट्रेडेबल सेक्शन में 3 फील्ड्स के पॉइंट आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी सैलरी बिलो 23K पाउंड्स है तो कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपकी सैलरी स्लैब 23K टू 25K पाउंड्स है तो 10 पॉइंट्स। देन आपकी सैलरी 26K पाउंड से ज़्यादा है तो उसमें 20 पॉइंट्स। तो आप यहां से 20 पॉइंट्स कलेक्ट कर लो एंड वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। बट अगर आपकी सैलरी कम है तो उस कंडीशन में ऐसा जॉब ढूंढो जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो, तो वहां से आप 20 पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप PhD होल्डर हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप PhD हो आपके जॉब रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो प्लस 10 पॉइंट्स, और अगर आप PhD हो स्टेम में 20 पॉइंट्स। सो लास्टली, अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो ऐसा होता है कि आपके पास यूके अप्रूव जॉब होना चाहिए, सेकेंड आप हाईली स्किल्ड हो, थर्ड आपके पास लैंग्वेज स्किल हो ऑब्वियसली इंग्लिश की, फोर्थ आपकी सैलरी अप टू द लिमिट हो जिसे 20 पॉइंट्स मिल जाए, या फिर आप PhD होल्डर हो, या फिर आपका जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है या समझ नहीं आया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको जानना है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कौन कौन सी जॉब्स आती है, या फिर अप्रूव स्पॉन्सर्ड की लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी आती है, या फिर इंडिया में बैठ के यूके के लिए जॉब कैसे अप्लाई करना होता है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इनकेस आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ दिन बाद, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।